नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के विभिन्न हिस्सों में भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ विभिन्न जिलों में ओले गिरने तो कई जगहों पर मौसम में चेतावनी भी जारी की गई है। अगर आप भी एमपी के दोस्तों जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीजन का पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया। इसकी वजह से कई जिलों में अच्छी खासी बरसात के साथ मौसम बदलेगा। बादलों की वजह के साथ कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। मौसम में बदलाव के साथ विभिन्न हिस्सों में भारी ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है, यानी बरसात की गतिविधियों के साथ ठंड का मौसम देखने को मिलेगा दोस्तों। और बादलों की आवाजाही के साथ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात होगी। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव की वजह से पिछले दो दिनों से कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो रही है। गरज चमक के साथ हल्की से अच्छी बरसात की गतिविधियों के साथ आज जो है ना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमवा, पन्ना, सतना में बरसात होगी। वही ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमवा और साथ में पन्ना और सतना में बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, मालवा और इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच में भी धूप छाव देखने को मिलेगी। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात तो कई जगहों पर बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला भी रहेगा। उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा दोस्तों। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक एक जिले की बात किया था, यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, छतरपुर, इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बरसात की गतिविधियों के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। येलो अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, छतरपुर, सतना, रीवा, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों के साथ येलो अलर्ट जारी है। साथ में सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकने वाले जिलों की बात करें तो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, छतरपुर, दमवा, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी जिलों में सर्वाधिक बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट और मौसम में ठंडक रहेगा। बादल छाए रहने वाले जिलों की बात करें तो यहाँ पर बुरहानपुर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, सिंगरौली, इन सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम में परिवर्तन के साथ मध्य प्रदेश का मौसम बदलेगा। उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। आप दोस्तों एमपी के कौन से जिले, यानी मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और मध्य प्रदेश में उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम मिला जुला है। मध्य प्रदेश में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 9 से अधिक जिलों में हल्की बरसात होने की संभावना भी जताई जा रही है। अलग अलग स्थानों पर बने चार वेदर सिस्टम के असर के कारण वातावरण में एक बार फिर से नमी बढ़ने लगी है। इसी कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए रहने के साथ गर्मी से राहत मिलेगी। और मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई के बाद तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश में रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है। वही मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ दोस्तों अधिकतम तापमान में, न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों जो है गुना में 37.1, ग्वालियर में 36.5, खंडवा में 35.5, रतलाम में 35, उज्जैन में 35.4, भोपाल में 35.5, नर्मदापुर में 36.4 और ग्वालियर में 36 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में 34.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ठंडा सोना मौसम हो चुका है। रात के समय दोस्तों काफी ठंड है। अब बताया जा रहा है कि कई जगहों पर दशहरे से पहले पहले दोस्तों ठंड आ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को दोस्तों घरों में बाहर निकलने के समय जो है कोहरा दिखाई देगा, खास करके सुबह के समय। और 29 से अधिक जिलों में आज दोस्तों बादलों की वजह के साथ कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबूंदी तो कुछ जगहों पर मौसम ठंडा रहेगा। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, श्योपुर कला, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर, मालवा, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, सतना जिलों में बादल छाए रहेंगे और इसी के साथ गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है और मौसम ठंडा रहेगा। आप कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं मध्य प्रदेश के, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों एक एक जिले की बात करें तो जबलपुर में रात के समय 22-23, दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सोना, उतार चढ़ाव जारी है। कटनी में रात के समय 22-23, दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे जो है ना, भोपाल में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की वजह के साथ मौसम साफ और सोना रहने के आसार है। इसी के साथ सीधी की बात करें तो 22-23 रात के समय, दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे जो ना यहाँ पर बड़वानी का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक के साथ उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम में बदलाव होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर का मौसम बदलेगा।
रहेगा। बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वही दोस्तों पूरे धार में 21-22 रात के समय तो दिन में 32-33 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक के साथ उतार चढ़ाव जारी है और मौसम में ठंडक भी देखने को मिल रहा है, बादल भी छाए हैं। उज्जैन में 20-21 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुना रहेगा। इसी के साथ पूरे के पूरे दोस्तों हरदा में 22-23 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ रहेगा। शिवपुरी में 19-20 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुना है। साथ में यहाँ पर मंदसौर में 21-22 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुना रहेगा। इसी के साथ पूरे रायसेन में 21-22 रात के समय तो दिन के समय 33-34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ और सुहाना है। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे जो है शाजापुर में 21-22 रात के समय तो दिन में 33-34 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला रहेगा। यहाँ पर विदिशा में 21-22 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ और सुहाना रहने के आसार है। इसी के साथ पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर श्योपुर का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना रहेगा। वही दोस्तों अशोकनगर का मौसम बदल रहा है, उतार चढ़ाव जारी, बादल छाए रहेंगे। सतना में बादलों की वजह के साथ 32 के आसपास अधिकतम तापमान है, मौसम ठंडा सुहाना है। साथ में गुना में 20-21 रात के समय दिन में 32-33 रहेगा। खंडवा में 22-23 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना रहेगा। इसी के साथ डिंडोरी में दोस्तों 19-20 रात के समय दिन में 30-31 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ है। होशंगाबाद में 22-23 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे। सिंगरौली में 21-22 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, छिटपुट बरसात होगी। उमरिया में 21-22 रात के समय तो दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ और सुहाना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर रतलाम में 21-22 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ और सुहाना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे राजगढ़ में 21-22 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर कई जगहों पर मौसम में परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा और मौसम में बदलाव होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ पूरे के पूरे देवास में 20-21 रात के समय तो दिन के समय मौसम में हलचल, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन रहेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर कुछ कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा मौसम में हलचल होने के साथ परिवर्तन है और बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक रहेगा। छतरपुर में और भी ज्यादा मौसम में हलचल होने के साथ पूरे के पूरे दोस्तों जो है छतरपुर में 21-22 रात के समय तो दिन के समय मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बादलों की वजह जारी रहेगी। वही दोस्तों यहाँ पर अलीराजपुर में 22-23 रात के समय दिन के समय मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो बुरहानपुर में 22-23 रात के समय दिन के समय मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और बादल छाए रहेंगे। साथ में यहाँ पर पूरे के पूरे दोस्तों बताया जा रहा है कि भिंड में बादल छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। सागर में 21-22 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना रहेगा। निम्च की बात करें तो 21-22 रात के समय दिन में बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना है। दतिया में 21-22 रात के समय दिन में 30-32 बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे पन्ना में 22-23 रात के समय दिन के समय बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना है। सीहोर में 21-22 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहाँ पर रीवा में दोस्तों 22-23 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे। सिवनी में 21-22 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा और सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे शेड्यूल में बादलों की वजह के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। दमोह में 21-22 रात के समय तो दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा और सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे टीकमगढ़ का मौसम बदल रहा है, बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। मौसम में हलचल होने और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। वैसे के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है जाबो में 22-23 रात के समय दिन में 33-34 बादल छाए रहेंगे। इंदौर में 21-22 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ रहेगा। मुरैना में बादलों की वजह के साथ मौसम साफ रहेगा। नरसिंहपुर में बादल छाए रहेंगे। बालाघाट में बादलों की वजह के साथ मौसम साफ और सुहाना रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे छिंदवाड़ा में 20-21 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना रहेगा। बैतूल में 20-21 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा सुहाना रहेगा। अनूपपुर में 21-22 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ सुहाना है। आगर की बात करें तो 20-21 रात के समय दिन में 32-33 बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ रहेगा। निवाड़ी में 21-22 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बदलने के साथ उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला भी रहेगा। तो अगर आप भी दोस्तों मध्य प्रदेश में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते, कमेंट करके जरूर बताना। आपके यहां पर बरसात हो रही है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना।